लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज रिपोर्ट। मेरे साथ राष्ट्रीय जनसंवर्धना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी जुड़ेंगे। आज इनका बर्थडे है और बर्थडे पर इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बर्थडे विश किया गया। सबसे पहले आपको बर्थडे का ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपकी बात पटता है, आपका जब बार बार इंटरव्यू देते हैं तो आपकी बातों की और जो नेता के जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है आपकी, इस बात को मानते हैं। चलिए, 2025 का विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, बिहार की जनता के लिए आपकी पार्टी की सरकार बनती है या आपकी पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग होती है तो आपका क्या टर्म कंडीशन होगा कि जनता को हम अच्छा सेवा कर सकें? देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार है और इन्होंने बोलता है कि हमारे सुशासन के साथ न्याय संगत सरकार चल रही है, लेकिन आए दिन जो है लूट मार हत्या बलात्कार देखने को मिलता है, जिसे स्पष्ट होता है कि डबल इंजन की सरकार झूठे वादे करते हैं, यानी जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ दारू बंद किया, लेकिन दारू तो सबके घर में मिल रहा है, डिलीवरी के द्वारा मिल रहा है, यानी दारू भूत जैसे है, दिखता कहीं नहीं है, बिकता सभी जगह है, उसमें भी फेल है। दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर को देख लीजिए, बिना लोड चेक किए हुए लगा रहा है, तो बहुत लोड कम रहने के बाद भी उसमें मीटर उठता है, जिसके कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गया है, कुछ नहीं कर पाते हैं। और इनके राज में इतना लूटता है पब्लिक का पैसा, इतना लूटता है सरकार के द्वारा। जैसे आप देख लीजिए, पुल जो है, पुल निगम 3 महीना के अंदर में 2500 पुल गिर गया। इसे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। चलिए, आपने स्मार्ट मीटर की चर्चा किया और आपने चर्चा किया शराबबंदी पर, अगर आपकी सरकार की बनती है शराब चालू करवाएंगे या शराबबंदी करेंगे? देखिए, हमारी सरकार बनती है तो शराब को जरूर चालू करवाएंगे, लेकिन उसका एक शर्त रहेगा, सबके आधार से लिंक करेंगे। अच्छा। और जो दारू लेगा उसका मुफ्त वाला राशन जो है नहीं मिलेगा। क्या बात है, एकदम चकाचक रहेगा। बहुत अच्छा। हाँ, ये मेरा कंडीशन रहेगा। अब दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर भी ठीक है, हम इसको चेक करके लगवाएंगे, सामने दिखाएंगे, भाई 1 घंटा 1 किलो का वाट इसको देकर लोड देकर चेक कर रहे हैं, 1 यूनिट नहीं उठा, तो मतलब इसमें गड़बड़ थोड़ा भी नहीं है। आपको भ्रम निकाल दीजिए कि एक खराब है, अब हल्ला गुल्ला मत कीजिए। हम लोग राजे जैसे नहीं है, हम लोग वेल क्वालिफाइड है, टेक्निकल हर्न है, सब जानते हैं। हम ग्रेजुएट है, आई एम द ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स ऑनर, और हमारे पास जितना बजट है कहाँ कहाँ डलना है कि फुल सेटिस्फैक्शन होगा, उस पर हम काम करेंगे। अब शास्त्रीय में तो बिहार को आगे लेके जाएंगे, जैसे मनमोहन सिंह थे, हमारा देश में 15 दिन का खर्चा सिर्फ बचा हुआ था जब उनके हाथ में सत्ता गया, लेकिन सोच बूझ से जो है वो हमारे देश को आगे बढ़ा दिया। ठीक उसी प्रकार हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, एक बार जनता हमको मौका दे देती है तो। सबसे बात है कि चलिए, ये बात हो गई आपकी, वो सवाल आपके साथ रहेगा, मुकेश सवाल रहेगा, रोजगार की बात है, बिहार के जितने भी युवा है पलायन करते हैं, भले पार्टी जा सकते हैं रोजगार के, उसके बाद भी बिहार से बाहर जाने वाले की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, ये कैसे सुधार करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तो औद्योगिक क्रांति हम लाएंगे, औद्योगिक क्रांति लाकर सबको हम रोजगार देंगे, इसे पलायन खत्म हो जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी जो है दिक्कत यहाँ पर है, बिहार का आदमी अगर बिहार में फैक्ट्री में काम करता है तो अपने को बब्बर शेर समझता, मतलब ईगो फील करता है, हम काम करते हैं हम छोटा हो जाएंगे। लेकिन यही आदमी जो है आप दूसरे प्रदेश में जाता है तो वहाँ गाली भी सुनता है और अच्छा से काम करता है, 12-12 घंटा काम करता है, तो इसमें सुधार लाना पड़ेगा पब्लिक को, मानसिक सुधार। अरे यहाँ पर जो गरीब जनता है वो बोलता है धुआं धुआं कर देंगे, अरे उसकी बात कुछ रहा ना करता है तो धुआं क्या करेगा, मतलब बोली में इसको जो है ज़रा रुकावट लाना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ी बात है। देखिए, मुकेश सहनी बदलावों के नाम पर किसी के साथ गठबंधन करता है, कभी इधर भाग जाता है कभी उधर भाग जाता है, और मुकेश सहनी को ले लेता है लेकिन मलाह वोट देवे नहीं करता है तो मरता है लात मुकेश सहनी के, तो फिर उस डाली पर चला जाता है, वहाँ भी वोट नहीं देता, फिर लात मारता है। अनेक भाई, हाँ,
जो है बैगन का भरता बन गया है, हाँ टकरा का बैगन बन गया है, तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। हम जो है मल्लाह को टिकट देंगे, 111 टिकट देने का वादा किया है, इसलिए मल्लाह का वोट हमारे पास आएगा। हम किसी से अलायंस भी नहीं करेंगे, हम किसी के नाम में पढ़ने वाले नहीं है, किसी के अंडर में आने वाले नहीं है, हम केस आनी नहीं है ना कि प्रशांत किशोर। हम जो बोलेंगे वो करेंगे, बिहार के हित में काम करेंगे, हम अपना पूरा जीवन छावर कर देंगे बिहार को आगे बढ़ाने में। इसलिए तमाम जनता से आग्रह करेंगे आने वाले विधानसभा 2025 में हमारे पार्टी को जिताइए, उनको भी चापर बटन दबाइए, तभी बिहार विकास होगा, अंधा विकास होने वाला नहीं है। चलिए, उपेंद्र सैनी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के, उन्होंने कहा कि बिहार की जो मूलभूत समस्या है उस समस्या को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे 2025 में। जनता से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी पार्टी को आप वोट दीजिए, और हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो बिहार से पलायन को रोकेंगे, बिहार में शराबबंदी को खत्म करेंगे, शराबबंदी को खत्म करेंगे और स्मार्ट मीटर को जितनी कोताहल मची हुई इतनी अलग लौर। मैं शंभु कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना कर, मैं चाहें तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।